देश भर में कोरोना वायरस दोबारा पैर पसारने लगा है। गंज बसोदा में भी कोरोना वायरस के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन नागरिक वायरस को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते बिना मास्क बाजार में घूमने वालों पर प्रशासन चालानी कार्रवाई कर रहा है। गंज बसोदा में प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई चलाकर बिना मास्क बाजार में घूमने वाले नागरिकों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। नगर के जय स्तंभ चौराहे पर नायब तहसीलदार द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। बिना मास्क वाले नागरिकों का 100 रुपए का चालान काटा गया, साथ ही आगे से मास्क प्रयोग करने की हिदायत दी गई। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश में और देश में कोरोना काफी अधिक फैल रहा है, इसी सिलसिले में शासन के निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुरूप जो रोको टोको अभियान है वो अभी हमने चालू किया है और उसी अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। सर, लोगों को समझाइश की दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, समझाइश उनको साथ में दी जा रही है और चालान उसका काटा जा रहा है। चालान के साथ में उनको हमेशा याद भी रहेगा कि चूंकि चालान कटा था इसलिए आगे वो गलती नहीं करेंगे।